जवान सुपरमैन होने चाहिए। हम ये जानते हैं कि इस मूवी में जो भी सुपरमैन बनेगा वो कोई यंग एक्टर होगा। तो सुपरमैन की मतलब अभी जो डिटेल्स निकल कर आई है, 25 साल का लौंडा चाहिए हमको। सुपरमैन के साल का लौंडा चाहिए भाई, लड़का नहीं चाहिए। डेनी का लौंडा। एक जगह बैटमैन होगा अपनी 40s की एज में और दूसरी जगह सुपरमैन होगा 20 साल का, पर क्यों? तो चलिए इसे डिकोड करते हैं। जो भी एक्टर सुपरमैन के रोल में कास्ट होगा वो अपनी 20s की एज में होगा, मैक्सिमम 25 टू 23 के बीच में, सेम लाइक टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन। इसके पीछे मेजर रीजंस कुछ ये है। नंबर वन रीजन है अवेलेबिलिटी। डीसी को एक ऐसा एक्टर चाहिए जो कि यंग है उसके करियर में, जो डीसी में काम कर सके कम से कम 10 साल के लिए, क्योंकि इस रोल में कोई पॉपुलर एक्टर को कास्ट करे तो पहले तो डेट्स नहीं मिलेगी और दूसरा 10 साल होते होते एक्टर थोड़ा एज्ड हो जाएगा। नंबर सेकंड रीजन है बजट। अगर एक्टर फ्रेश होगा, ऊपर से यंग होगा उसके करियर में, तो उसके साथ आसानी से 5 से 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट इजीली साइन किया जा सकता है, वो भी चीप प्राइस में, जिसका फायदा डायरेक्टली स्टूडियो को होगा। तो ये थे कुछ रीजंस, पर इसके ऊपर एज अ फैन हमारे कुछ क्वेश्चंस भी है। जैसा कि एक जगह बैटमैन दिखाया जाएगा 40 साल का, तो ये तो कंफर्म है क्योंकि बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड में बैटमैन के साथ होगा उसका बेटा डेमियन वेन, जो कि रॉबिन होगा। उसकी अप्रोक्स एज होगी 15 से 16 साल, और दूसरी जगह सुपरमैन फॉर एग्जांपल मान लो 22 से 23 साल का होगा। तो बैटमैन तो सुपरमैन के लिए एक फादर फिगर जैसा हो जाएगा मेरे ख्याल से। समझ नहीं आता कि बैटमैन और सुपरमैन की केमिस्ट्री कैसा फिट बैठेगी और ये दोनों कैसा इंटरेक्ट करेंगे जब क्रॉसओवर होगा। तो आपके क्या थॉट्स है इस पर मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। कैंग को एंटमैन की हेल्प क्यों चाहिए जानने के लिए ये वाली वीडियो देखिए, और सुपरमैन वर्सेस कैप्टन अमेरिका के बारे में जानने के लिए ये वाली वीडियो देखिए।